तेजस्वी जी ने बहुत सारी छद्म कंपनियां बनाई हैं, उन छद्म कंपनियों के द्वारा उन्होंने अपने गाय दुहने वाले से लेकर के चाणक्य होटल तक के मालिक से जमीनों को जो गिफ्ट किया है उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं। तेजस्वी जी को एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस किस कंपनी में उनके किस किस चतुर्थ वर्गीय रेलवे के कर्मचारी ने उनको जमीन दिया है, किस किस बड़े उद्योगपतियों ने उनको जमीन दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर लगातार सियासत तेज हो चुकी है। वही आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह साफ कर दिया है कि वो उनका ये दौरा जो है वो बेहद खास होने वाला है। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी को उपचुनाव में जीत मिली है उसको लेकर वो आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि वैशाली में हरिहरनाथ का दर्शन करेंगे और उनका संबोधन भी होगा। साथ ही और क्या कुछ कहा है संजय जायसवाल ने, अब जरा वो सुन लीजिए। बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कल पटना में आगमन हो रहा है और वह वैशाली लोकसभा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल उनका आगमन पटना एयरपोर्ट पे होगा और वहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा वह सीधे पारू हाई स्कूल वैशाली जाएंगे। लगभग 12:30 बजे वहाँ पे उनका आगमन होगा और यह पहली एक सम्मेलन है जो कि लोकसभा स्तरीय है। इसमें केवल वैशाली लोकसभा के ही हमारे कार्यकर्ता बंधु पन्ना प्रमुख, हमारे बूथ अध्यक्ष, उन सबों की एक सभा होगी और उस सभा को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संबोधित करेंगे। उसके पश्चात वैशाली लोकसभा के दृष्टिकोण से एक बैठक होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जी की। बैठक के बाद वह हरिहरनाथ मंदिर आएंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद पटना से वापस फ्लाइट ले लेंगे। हमारे लिए यह बेहद गर्व का क्षण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और ख़ास करके बिहार में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मेहनत और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों के कारण जो स्थितियाँ बनी और हम गोपालगंज और कुढ़नी दोनों उपचुनाव जीतने में सफल हुए, उसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है और पूरे रास्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार भी हैं और वैशाली लोकसभा का सम्मेलन अपने आप में एक ऐतिहासिक सम्मेलन है। तो सुना आपने, इस दौरान संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पेरू कहाँ है ये मुख्यमंत्री को नहीं पता है। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर वो भ्रमण करते हैं तो शायद उनको पता होती, लेकिन वो चार दीवारी के भीतर रहते हैं और दो चार लोगों के साथ जो घूमते हैं, ऐसे में बिहार के क्षेत्रफल के बारे में उनको पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। ये वो जो ये जो पटना में जो शॉपिंग मॉल का जिसका आज ईडी में रेड हुआ है, इसके बारे में तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि उसको क्यों नहीं जिक्र किया है। तेजस्वी जी ने बहुत सारी छद्म कंपनियां बनाई हैं, उन छद्म कंपनियों के द्वारा उन्होंने अपने गाय दुहने वाले से लेकर के चाणक्य होटल तक के मालिक से जमीनों को जो गिफ्ट किया है उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं। तेजस्वी जी को एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किस किस कंपनी में उनके किस किस चतुर्थ वर्गीय रेलवे के कर्मचारी ने उनको जमीन दिया है, किस किस बड़े उद्योगपतियों ने उनको जमीन दिया है, प्रेम गुप्ता जी ने उनको कौन कौन सा फार्म हाउस गिफ्ट किया है। ये जो उनके पास अकूत जमीन विभिन्न गिफ्ट के माध्यम से मिली हो, चाहे वह उनके घर में गोपालगंज का गाय दूहने वाला आदमी हो और चाहे प्रेम गुप्ता जैसे बड़े व्यवसायी हो, इन सब जमीनों का ब्यौरा, चाहे वो जिस कंपनी में ये सब जमीनें हो उनका भी ब्यौरा देना चाहिए, जैसे बिहार को जान सके पूरा बिहार यह जान सके कि जैसे कर्ण सबसे बड़े इस दुनिया के दानकर्ता माने जाते हैं, वैसे तेजस्वी यादव दुनिया के सबसे बड़े दान देने वाले हैं। एक सवाल है, जगदानंद सिंह ने आप लोगों पर सवाल खड़ा किया है कि 4 महीने दे रहे हैं।
उनका आपस का मामला है, वो आपस में समझें। भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है कि महागठबंधन एक पूरे धोखे से बनी सरकार है। नीतीश कुमार जी को 43 के बावजूद उन्होंने भाजपा को धोखा दिया और तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार की जनता को धोखा दे करके 75 सीट प्राप्त किया था। आज पूरे बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि 10 लाख नौकरियां किस दस्तखत से मिलेंगी। पूरे बिहार के युवा इंतजार कर रहे हैं कि हर जो यह घोषणा किया गया था कि सभी बच्चों को हम परीक्षा का फीस माफ करेंगे, वह कब होने जा रहा है। पूरे बिहार के युवा यह इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने तेजस्वी जी नहीं नहीं पूरे महागठबंधन ने यह घोषणा किया था कि बिहार का कोई भी युवा किसी भी स्थान पर जाएगा परीक्षा देने तो उसके आने जाने का खर्च होगा, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। वो उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि जब पिछली बार क्वेश्चन लीक हुआ था तब तेजस्वी जी ने इसको कहा था कि जो भी परीक्षा देने बच्चे आए हैं उन सबको 5,000 मुआवजा मिलना चाहिए जिससे कि वह दोबारा परीक्षा दे सकें। आज जब BPSC और BSSC की परीक्षा लीक हुई है तो वह सारे युवा आज बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी जी का 5,000 रुपया उनके खाते में कब आएगा। नीतीश 2020 का चुनावी घोषणा पत्र भाजपा ने जारी किया था। मैं चैलेंज करता हूं सभी महागठबंधन उम्मीदवार के दलों को कि भाजपा का 2020 का घोषणा पत्र देखें और उसमें भाजपा ने क्या नहीं किया यह बताएं, जबकि महागठबंधन का घोषणा पत्र पूरे तौर पर झूठ का पुलिंदा था। आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं कि दीपांकर भट्टाचार्य कब बिहार के सभी रसोइयों को, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सभी सहायिकाओं को कब वह परमानेंट नौकरी देने जा रहे हैं जिसकी घोषणा माले हमेशा करता था। कब कांग्रेस सभी किसानों का कर्ज माफ करने जा रही है जिसकी घोषणा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। कब जो भी हमारे युवा हैं उनको 10 लाख नौकरियां मिलने जा रही हैं, 4 महीने में जितनी नौकरियां बांटी गई हैं सब भाजपा के समय की नौकरियां हैं। उनके द्वारा नौकरी के इंतजार आज भी CTET और BTET के कार्यक्रम के बच्चे कर रहे हैं। मैं तो कहा कि आप उनको नौकरी दीजिए, मैं खुद धन्यवाद दूंगा। अभी नीतीश कुमार जी अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण से कर रहे हैं। इसी चंपारण की भूमि पर 2005 में उन्होंने घोषणा किया था कि बगहा को जिला बनाएंगे, वह आज तक मेरा जिला इंतजार कर रहा है। हमारे मझौलिया में लाल सरैया को और सुगौली में रघुनाथपुर को ब्लॉक का दर्जा देंगे। मेरा नीतीश जी से अनुरोध रहेगा कि उनके बस का तो नहीं है लेकिन कम से कम जमीन का अधिग्रहण करके जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको कम से कम बिहार में जारी रखें। आज बगल में 8-8 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, बिहार शून्य पे खड़ा है। बगल में 1,00,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रीज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार शून्य पे खड़ा है। 1 मेगा टेक्सटाइल पार्क का हम लोगों ने उन्हीं के द्वारा पास भी कराया था, 1700 एकड़ जमीन भी रतवल में दिलवा दिया था। उस केवल 1 मेगा टेक्सटाइल पार्क से 1 लाख नौकरियां मिलती। आज 4 महीने से महागठबंधन की सरकार मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में केंद्र से एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। तो यह सरकार जो है यह उद्योग विरोधी सरकार है, यह सरकार युवाओं के रोजगार विरोधी सरकार है, यह सरकार यूरिया और माफिया की सरकार है, यह सरकार जितने भी अपराधी तत्व हैं उनकी सरकार है। और यह तो IPS का भी जो ट्रांसफर हम लोगों ने देखा है, मुझे लगता है कि बिहार के, मुझे तो भट्टी साहब से ये उम्मीद थी कि कम से कम वह ईमानदार अफसरों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो नई ट्रांसफर की लिस्ट बनी है वह साफ बता रहा है कि अब जो ईमानदारी से अपराधियों को पकड़ेगा वह उसका तबादला हो जाएगा और बेईमान ही लोग अब बिहार में राज करेंगे। धन्यवाद। बिहार के कृषि मंत्री को शर्म आनी चाहिए। मैं प्रतिदिन डाटा जारी कर रहा हूँ, पिछले 1 महीने में 1 दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि बिहार के पास 80,000 टन से कम यूरिया हो, 70,000 टन से कम DAP हो। और उसके बाद भी बिहार के प्रत्येक जिले में जब किसानों के लाइन की दुखदायी खबर मिल रही है, यह बता रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जानबूझकर के एक ऐसे कृषि मंत्री को बनाया
जिसके साथ पूरा कृषि मंत्रालय समाप्त हो सके और किसान हर जिले में आज जो हाहाकार कर रहा है, मैंने आज भी डाटा जारी किया है, आज के दिन भी 70,000 टन यूरिया बिहार को उपलब्ध है, 1,00,000 टन यूरिया डीएपी को उपलब्ध है, उसके बाद भी हर जिले में हर शहर में आपको यह पता चल रहा है कि लाइन नहीं लग रही है, टूट रही है, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी का जो कृषि का मैनेजमेंट है इससे असफल, आखिर अगस्त से पहले तो बिल्कुल स्थिति ठीक थी, पिछले वर्ष जरूर हम लोग को इजिप्ट से दिक्कत हुआ था कि मिस्र से यूरिया नहीं आ सका, आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा बरौनी का कारखाना चालू हो गया है, गोरखपुर का कारखाना चालू हो गया है, पूरे देश में कहीं यूरिया की कमी नहीं है, तो बिहार में एक कृत्रिम यूरिया की कमी बना करके जो व्यवसायी हैं और जो कृषि के पदाधिकारी हैं दोनों मिलके बिहार के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने 2024 में जिस तरह से इलेक्शन होने वाले हैं उसकी तैयारियां, उसकी पृष्ठभूमि जो है अब तैयार होने लगी है। ऐसे में लोग अंदेशा ये भी लगा रहे हैं कि जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद खास होने वाला है और कहीं ना कहीं 2024 इलेक्शन को लेकर ही ये पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। बहरहाल इस दौरे के बाद क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं उससे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप जुड़े रहे NBC 24 के साथ।